यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बाइक में आज तक मुझे क्या क्या दिक्कतें आई है और मुझे इसे ख़रीदे हुए अभी तक 2.5 साल हो चुके। मैंने 2018 में जून में इसे परचेज किया था और अभी तक इसको 2.5 साल हो चुकी है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज तक इस बाइक के अंदर स्प्लेंडर प्लस, जो कि सबकी फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक इस बाइक में क्या क्या दिक्कतें फेस की है। तो दोस्तों, पहली समस्या और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इस बाइक ने 2.5 साल के अंदर ही इंजन का काम मांग लिया है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि इस बाइक ने 2.5 साल के अंदर ही इंजन का काम मांग लिया है। मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका इंजन का साउंड अलग ही चेंज हो चुका है और उससे मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एक बार तो मुझे यह दिक्कत आई कि किक लग ही नहीं रहा भाई, बिल्कुल टाइट हो चुका था, किक मार रहा हूँ तो किक नहीं लग रहा। फिर मैंने कैसे भी आगे पीछे करके क्लच को दबाकर फिर किक मारा, फिर स्टार्ट हुई। एक तो ये दिक्कतें आई और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आवाज़ कैसी है, मुझे नहीं पता आपको कैसी सुनाई दे रही है। अगर रियल लाइफ में इसे सुनूंगा, आप सुन रहे हो तो महसूस करिए, ये स्प्लेंडर की वो नॉर्मल आवाज़ नहीं है, कुछ डिफरेंट है, जैसे कि इंजन के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है इंजन से, तो ये स्प्लेंडर में मुझे बहुत ही काफ़ी डिसपॉइंट किया है। काफ़ी चर्चे सुने थे मैंने स्प्लेंडर के, बट 2.5 साल के अंदर ही इंजन का काम मांग लिया है। इसमें शायद मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने सर्विस जो करवाई थी कंपनी के अंदर, सर्विस नहीं करवाई थी मैंने, बाहर से सर्विस करवाई थी। क्योंकि कंपनी के अंदर जाते हैं तो भाई 10 बजे जाके बैठो, तो सुबह 10 बजे जाके बैठते हैं तो फिर 3-4 बज जाते हैं, इतना टाइम लगता है। तो मैंने सोचा मैं बाहर से ही करवा लेता हूँ, तो शायद उसी की वजह से ये इंजन का काम मांग लिया है। और मैंने फिर मैकेनिक को दिखाया और मैकेनिक ने बोला भाई इसका खर्चा है 4-5 हज़ार रुपये का। तो देख लो दोस्तों, इंजन का काम मांग लिया बाइक ने और 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ चुका है। सबसे बड़ी और मेन दिक्कत तो ये मुझे मिली इस बाइक के अंदर। दूसरी एक समस्या है कि इसका ये जो होता है ना, देखिए ये काफ़ी लो क्वालिटी का है, सीट बेल्ट क्वालिटी काफ़ी लो है, क्योंकि ये हिल चुका है, टूट चुका है। देखिए मैंने इसको कर रखा है, जुगाड़ कर रखा है। पहले तो मैंने इधर से इसको किया था, देखो अभी, और अभी मैंने इसको तार से इधर बांध रखा है, एडजस्ट कर रखा है। और ये काफ़ी दिन पहले ही टूट गया था और मैंने इसको एडजस्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये लो क्वालिटी का, मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे ये दिक्कतें आई हैं इस बाइक के अंदर। दोस्तों, एक समस्या और आई थी मुझे, जो कि है यह है अपना पेट्रोल की टंकी वाला ढक्कन, जो कि है काफ़ी लो क्वालिटी का है। क्योंकि इधर देखिए, ये इसे टूटे हुए 4-5 महीने हो गए, ये पड़ा हुआ था घर पर और ये मैंने नया डलवाया था, कंपनी से डलवाया मैंने, ये मुझे पड़ा है 210 रुपये का और ये काफ़ी जल्दी टूट गया था। तो दोस्तों देखिए क्या बिल्ड क्वालिटी देते हैं हीरो वाले। तो दोस्तों, 2.5 साल के अंदर मैंने ये बाइक चला दी है 12,308, आप देख सकते हो 12,308 चला चुका हूँ मैं 2 साल 6 महीने के अंदर।
और दूसरी एक दिक्कत ये कि दोस्तों इसकी बैटरी जा चुकी है, देखिए स्लप वगैरह कुछ नहीं मान रहा और चार्ज भी नहीं होती है बैटरी। मैंने चार्ज करवाई थी, वो मैकेनिक ने बोला ये ख़राब हो चुकी है। देखो 2.5 साल के अंदर इसकी बैटरी भी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों एक ये हमारा ये टूट चुका है, ये जो ब्रेक और स्पीड वायर होता है जिसको ये इधर सेट करके रखते हैं ना, वो ये भी टूट चुका है। ये तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वैसे ये सर्दियों के अंदर टाइट हो जाता है तो ये टूट जाता है, ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ओवरऑल बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कतें मेरे मैंने फेस की है मैंने वो बता दी है। अगर और कोई भी दिक्कत आएगी, आपको कोई सवाल जवाब पूछना है तो मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा।